मेरा ख्याल गुरुद्वारे या जड़े ने उत्ते हमेशा गुरु महाराज साहब के विखाए हुए रस्ते ते चलना चाहिए। इस किस्म का काम हमेशा गुरेज करनी चाहिए है जिन्हें लोगों ने गुरुद्वारा साहब च भंग तोड़ की थी उन्होंने गुरेज किया। तुम दस्या जिस किस्म का माहौल नज़र आ रहा है किसी बंदे की जिंदगी महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, दिन दिहाड़े फरौतियां लिया जा रही हैं, कतल हो रहे हैं। ठीक है कि मैनू यह नज़र आता कि पार्लीमेंट तो पहले पहले 6 महीने इतने कोई ना कोई इंटरवेंशन होएगी। तुम दस्या जिस किस्म का माहौल नज़र आ रहा है किसी बंदे की जिंदगी महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, दिन दिहाड़े फरौतियां लिया जा रही हैं, कतल हो रहे हैं, तो मैनू यह जापता जिहड़ियां एजेंसियां दे मालक ने जिहड़े पंजाब दा माहौल वगाड़न दे विच इक नुमाया रोल कर रहे ने, वो चाहते ने इस किस्म दा। मैं तो एक पोलिटिकल आने वाले सिनेरियो बारे एक जानकारी दित्ती है कि मैनू यह नज़र आता कि पार्लीमेंट तो पहले पहले 6 महीने इत्थे कोई ना कोई इंटरवेंशन होएगी, को करेगा जी। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੰਗ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।